Hello everyone, hope all of you are well. Today, actually I want to give you a basic concept of mole concept. Basic concepts means what? Many students have not given so much concern in 9th standard or 11th standard. जिनको बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 9th standard में, चलो अभी 9th में हैं, क्या हो जाएगा 10th में जाएंगे तब मेहनत करेंगे. या बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा 9th standard में, या 11th standard में जिन लोगों ने स्टार्ट तो किया बट न्यूमेरिकल्स बनाने में डिफिकल्टीज होती है. तो उन सारे बच्चों के लिए आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट. क्या नाम है? मोल कंसेप्ट. जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी बेसिस पे आपको पढ़ना भी है और वो सारे डिफाइन आपको अपने नोटबुक में लिखना है, राइट? तो मोल कंसेप्ट, सबसे पहले व्हाट इज मोल. अगर कोई पूछेगा आपको मोल, कैन यू टेल मी व्हाट इज मोल, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग डिफाइन है. मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज मेनी स्पीसीज. मतलब मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज मेनी स्पीसीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल, एंटिटीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो अगर आपको डिफाइन लिखना है मोल का, तो मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज मेनी स्पीसीज. मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज many species, that has many species. अगर ये species जो है, species word specially for the atoms, molecules, ions, particles, electron, proton, न्यूट्रॉन, ये स्पेसीज में ही सारे आगे. मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज मेनी स्पेसीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, सब कुछ ले लीजिए. प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स. अब आप पूछोगे सर यहां पे ये कार्बन 12 आइसोटोप्स क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर एक एलिमेंट का आइसोटोप्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. एटलीस्ट वन आइसोटोप्स तो सबका होगा ही, तब वो एलिमेंट पाया जा रहा है और उस एलिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, राइट? तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसमें कार्बन 12 वाला जो है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज नेचर में एग्जिस्ट करता है. ओके, सबसे ज्यादा परसेंटेज ये नेचर में एग्जिस्ट करता है कार्बन 12. इसीलिए इसके आइसोटोप्स जो 12 ग्राम के बोलना, आप क्वेश्चन पूछेगा सर 12 ग्राम क्यों लिखे हो, तो पहले मैं आपको बता देता हूं ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसका वेरिएशन कैसे होता है. तो एक मशीन आता है जिस मशीन का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्या नाम है? स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन, स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये मशीन बिल्कुल एक प्रिंटर की तरह होती है जिसमें कार्बन को डाला गया और उससे उसका मास निकाला गया. तो मास ऑफ, उसमें पता चला कि एक एटम जो कार्बन को लिया गया तो उसका मास कितना है. तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ये कार्बन 12 का एक एटम का मास निकाला गया, दैट वॉज 1.992648 × 10⁻²³ ग्राम. याद रखना बच्चों, कोई पूछेगा आपको ये है क्या, तो ये एक एटम कार्बन 12 का मास है. क्या है ये? एक एटम कार्बन 12 का मास है, जिससे हमको ये पता चला कि एक एटम कार्बन 12 का मास कितना होगा, 1.992648 × 10⁻². अब आ जाइए, जबकि एक एटम कार्बन 12 का मास है, राइट? अब इसमें आपको पता करना है कि आखिर 1 ग्राम का कितना होगा. वन एटम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 1.992648 × 10⁻²³ ग्राम. मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1.992648 × 10⁻²³ ग्राम contains
वन एटम ऑफ कार्बन था, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 has one atom. लिख सकते हैं ऐसे या नहीं लिख सकते? देखो इसी को मैंने बस चेंज किया है, वन एटम ऑफ कार्बन 12 का मास था इतना, तो यहां पे लिख सकते हैं इतना ग्राम ऑफ कार्बन 12 has one atom. तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में हो जाएगा हमारा 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज 1 अपॉन 1.992648 इनटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम ऑफ एटम, इतना एटम. तो अब अगर हमने 12 ग्राम लिखा है यहां पे, ये जो लिखा है C12 का 12 ग्राम, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना हो जाएगा, कितने एटम होंगे? 12 ग्राम ऑफ C12 हैज 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 12 एटम्स होगा. अब देख लो यहां पर ये माइनस 23 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 23 हो जाएगा. तो 12 डिवाइडेड बाय 1.992648 और ये 10 टू द पावर माइनस है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 23. इसको डिवाइड करो, मोबाइल है तो उसमें मोबाइल लेकर के डिवाइड करना, और ये जो वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. यहीं से ये वैल्यू आई थी जिसका एवोगैड्रो नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. इतने एटम्स हम लोगों को निकले और इसी को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो नंबर. तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ये एवोगैड्रो नंबर है क्या, इसकी वैल्यू आई कहां से, ये सारा कंसेप्ट आपको 9 प्लस 11 दोनों स्टैंडर्ड के लिए बेनिफिशियल है. तो ये लिख लिया आपने, कि अब आपको पता चल गया होगा कि मोल क्या है, राइट? व्हाट इज मोल, नाउ यू मे हैव अंडरस्टैंड. ये जब तक आपको नहीं समझ में आता है तब तक बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर ये एवोगैड्रो नंबर, ये कांस्टेंट कहां से आया, वैल्यू कैसे निकाल दिया, कुछ तो थ्योरेटिकल, बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे माइंड में चलते रहते हैं. तो इसीलिए मैंने ये जो आपको निकाल करके दिया है, इस चीज को अगर हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान में रखना कि कहां से आया था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ये 9th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ओके, चलो अब समझ में आ गया. अब मैं पूछूंगा कि मोल क्या है, देन यू कैन जस्ट से कलेक्शंस ऑफ 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 इज कॉल्ड अ मोल. अब ये क्या, कलेक्शंस ऑफ 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयन को हम लोग क्या कहेंगे? एक मोल कहेंगे. तो समझ में आ गया. अब दूसरी बात, आपको बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास लर्न करना. अब पूछोगे कि सर ये एटॉमिक मास क्या होता है, राइट? तो दो तीन चीजों मुझे लग रहा है जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है और ये सब चीजें बहुत आसानी है. किसी भी एलिमेंट के अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझ जाओ जो तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है. मेरे हिसाब से अगर 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे तो, जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं और यहां पर डिनोट करने के साथ यहां पर एक जेड लिख रहा हूं, ये ए लिख रहा. ये X जो है ये एलिमेंट का सिंबल है. क्या है ये? एलिमेंट का सिंबल है. कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन होगा तो उसका सिंबल H होगा. ये Z जो है इसका एटॉमिक नंबर है. अब कोई पूछेगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन होता है. एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम याद रखना. तो एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. और ये जो है एटॉमिक मास, इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर और इसको कहा जाता है एटॉमिक मास. तो ये एटॉमिक मास जो है ये सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम. किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका जो सम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास. मतलब ए इज इक्वल टू पी प्लस एन एंड जेड इज इक्वल टू पी और पी इज इक्वल टू ई. याद रखना. कोई भी पूछेगा कि आप कैसे बता सकते हो कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव
प्रोटॉन क्या हो गया, प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये सब वर्ड याद रखना। और न्यूट्रॉन क्या है, ये जो है हमारा न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, क्या है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब आ जाओ किसी भी एलिमेंट में हम लोगों को जो सीखना है कि आखिर ग्राम एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको ग्राम एटम कहा जाता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ग्राम एटम, राइट? किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ग्राम एटम। When atomic mass is expressed in gram, when atomic mass is expressed in gram, when atomic mass is expressed in gram, then it is called gram atom. Then it is called gram atom. क्या बोला जाएगा इसको? ग्राम एटम। समझ में आया आपको ग्राम एटम किसको कहेंगे? किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को। जैसे अगर कोई पूछेगा कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, राइट? कितना होगा 12 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो 14 ग्राम एटम। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको ग्राम एटम किसको कहेंगे? किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटम। अब आपको जो है स्टैटिक से कैलकुलेट करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जनरली आप लोगों को एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को लर्न कर लेना है एटलीस्ट 1 to 30 का। अगर आपको नहीं आता है तो 1 to 20 तक का मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा दूंगा जिस फॉर्मूला से आप इजीली लर्न कर पाओगे। अब आ जाओ कि आखिर ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना, लिख लेना ग्राम एटम इज इक्वल टू। अब यहां पर जब आपका एलिमेंट्स का वेट दिया होगा तब आप लिखोगे वेट ऑफ एटम इन ग्राम, वेट ऑफ एटम इन ग्राम, वेट ऑफ एटम इन ग्राम, किसमें, ग्राम में, जी में, याद रखना जनरली जी लिखते थे हम लोग, वेट ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला लिख लो, वेट ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, राइट? ये फॉर्मूला लिख लेना है, ग्राम एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, राइट? अब मैं आपको इसी बेस पर एक क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम, याद हो ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और मास नंबर होता है, मतलब एटॉमिक मास 39। ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम। क्या करोगे इसमें, सबसे पहले ग्राम एटम निकालोगे, क्या करोगे, ग्राम एटम निकालो, वेट ऑफ एटम इन ग्राम, वेट ऑफ एटम इन ग्राम दिया हुआ है और एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा ग्राम एटम निकल जाएगा। जब ग्राम एटम निकल जाएगा उसके बाद हम लोग एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखोगे, ग्राम एटम इज इक्वल टू, ग्राम एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ एटम इन ग्राम, कितना है वेट ऑफ एटम इन ग्राम, 3.9 ग्राम,
3.9 अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमारा कितना होता है पोटेशियम का 30 है, तो यहां पे देख लो 3.9 है, 3.9 10 जा, सो 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 डाल सकते हो, 0.1 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटम निकल गया 0.1 ग्राम। अब तुमको निकालना है कि आखिर इसमें कितने एटम्स होते हैं, तो यहां पे लिखोगे सिंस वन मोल है, सिंस वन मोल है 6.022 × 10⁻²³ एटम्स होते हैं या नहीं होते हैं? बताओ बताओ तुम लोग, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 × 10⁻²³ एटम्स होते हैं ना। अब कोई क्वेश्चन सर ये वन मोल किसमें, वन मोल ग्राम डाल दो यहाँ पे, सिंस हम लोगों को 1/10 ग्राम मिला तो यहाँ पे वन मोल ग्राम है इतना एटम्स, वन मोल ग्राम है 6.022 × 10⁻², देयरफॉर 1/10 मोल ग्राम कितना होगा, 1.10 ग्राम है 6.022 × 10⁻²⁰ × 1/10 एटम्स, एक टेन हट जाएगा तो यहां पे हो जाएगा 6.022 × 10⁻². समझ में आया कैसे निकालना है? समझ में आया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम। दिख रहा है आप लोगों को पूरा क्लियरली? तो इजीली बन जाएगा आप लोगों को। अब आ जाओ, जब ये सवाल जब आप लोगों से बन जाएगा देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कितने तरह के क्वेश्चन यहां पे आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोल थ्री टाइप्स में तुमको निकालना है। कितने टाइप्स में? थ्री टाइप्स में आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ मोल निकालना है। सबसे पहला नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करना, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में वेट इन ग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, याद रखना नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले इसको लिख लो आखिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स के बाद सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्या निकालना होगा पता है? उसमें निकालना होगा आपको मास, कि मास कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला मैं दे देता हूं, एन इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए एम, गिवन मास के लिए डब्ल्यू, और मोलर मास कैसे निकालोगे, ये जो एटॉमिक मास है कोई भी कंपाउंड है कोई भी कंपाउंड ले लो अगर उसका निकालना है आपको मोलर मास कैसे निकालोगे। हर एक एलिमेंट का वेट आपको पता होगा राइट, इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम, याद रखना इसी को शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। अगर मान लो हमें वेट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इसी क्वेश्चन से वेट इन ग्राम आपको निकालना होगा और नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, वेट निकालना होगा सीधा सीधी शब्द ग्राम में दे या किसी भी चीज में आपको वेट निकालना है, क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मतलब हमें क्या निकालना है डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इनटू दैट। समझ में आ रहा है आप लोगों, ये हो गया हमारा सेकंड गैप। अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चन मैं दूंगा आपको
न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हम लोगों को, तो उस बेस पर आप लोग इजीली निकाल सकते हो। इस दो टाइप के क्वेश्चन का बहुत आवाज होगी, अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, आपको फिर फाइंड करना है कितने एटम्स है या फिर कितने मोल्स है। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, वो जो 6 टू द पावर जो होता है, अगर पार्टिकल्स दिए हुए हैं उसमें अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो याद रखना, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, मतलब आपको पार्टिकल्स के नंबर दिए हुए हैं, तो आप जानते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 होता है या नहीं होता, 1 मोल इज इक्वल टू इतने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23, तो अगर ऐसे भी लिख सकते हो कि 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल कंटेन्स 1 मोल, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो ये बताओ, लिख सकते हो आराम से लिख सकते हो, तो 1 पार्टिकल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 मोल होगा या नहीं होगा। और अब जितना पार्टिकल्स दिया हुआ है, मान लो n पार्टिकल, कैपिटल n से उसको हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो क्या हो जाएगा, n अपॉन na, मतलब इसका मतलब हो गया 1.6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आया, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो n अपॉन n। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसके बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं सिखाऊंगा उसको ध्यान से सीखना, ताकि न्यूमेरिकल्स बनाते समय तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। ये तीन चीज मेन है, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास दिया रहेगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अभी मैं इस फर्स्ट टाइप के बेस पर क्वेश्चन मैं दूंगा, वो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना है, राइट। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, 12 ग्राम हाइड्रोजन, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन दिया आपको 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन, टोटल मैं आपको 7 क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट। दूसरा क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 4 ग्राम ऑफ हीलियम। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं 180 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आता है आप लोगों को, नहीं आता होगा, 180 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, राइट। और दू चलो फिफ्थ, 13.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 13.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिक्स, 24 ग्राम ऑफ O3। ओके, चलो हम लोग इतना 6 क्वेश्चन को निकालते हैं। याद करो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू क्या होता है, W by m, W का मतलब गिवेन मास, गिवेन मास कितना है 12, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, 12/2 कितना हो गया 6, क्या क्या निकालना है हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने मोल्स हो जाएंगे, बात समझ में आ रहा है, क्या फाइंड करना है आपको, इसमें फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने मोल्स हो गए पहला क्वेश्चन में 6 मोल, चलो सेकंड वाला बन जाएगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, गिवेन मास है 2 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा,
मोलर मास हमारा हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स। तीसरा 4 ग्राम ऑफ हीलियम, n इज इक्वल टू w बाय m, 4 ग्राम हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 इज इक्वल टू 1 मोल। फोर्थ क्वेश्चन 180 ग्राम ऑफ, अब इसका तुमको सबसे पहले मोलर मास निकालना है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। चलो इस सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। नाइट्रोजन का हो गया 14, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, सबको काउंट करो। 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 30 60 हो गया, कितना हो गया 60 ग्राम हो गया। इसको मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 60 ग्राम। ओके, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 60 ग्राम। अब तुमको 180 ग्राम ऑफ यूरिया में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू w बाय m, दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन 60, 63 इज 180, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 3। 13.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो n बराबर w बाय m, 13.2 और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो तो CO2 का कितना हो जाएगा, CO2 का मतलब कार्बन का 12 और 16 2 32, दैट इज इक्वल टू 44। तो ये 13.2 को किससे डिवाइड करना है 44 से, अगर पॉइंट हटा दोगे इनटू 1/10 हो जाएगा, राइट होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड करो, 4 11 जा एंड 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, मतलब 3/10 दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल। एंड लास्ट क्वेश्चन है 24 ग्राम ऑफ O3, तो 24 ग्राम ऊपर में और 16 3 जा 48, राइट 24 2 जा 48, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने के लिए कहेगा, ये सबसे पहला स्टेप है न्यूमेरिकल्स का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये पहला स्टेप है, डेफिनेटली आएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। चलो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उस दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, व्हेन द नंबर ऑफ मोल इज गिवन, व्हेन द नंबर ऑफ मोल इज गिवन, जब नंबर ऑफ मोल दिया होगा, मतलब n की वैल्यू क्या है दी होगी, तो कैसे निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल जब दिया होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखो n इज इक्वल टू w बाय m, गिवन मास बाय मोलर मास होता है। हमें निकालना है क्या है, मोलर मास निकालना है, क्या निकालना है या फिर गिवन मास निकालना है, मानो कितना मास हुआ, w का वैल्यू निकालना है, गिवन मास इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि मोलर मास तो हम लोगों को पता होगा। When the number of mole is given, मतलब n की वैल्यू जब दी होगी, तो अगर w निकालना है तो क्या करेंगे, n into m करेंगे, right? इस टाइप का न्यूमेरिकल। When the number of mole is given, that time how you will calculate the given mass? Given mass कैसे आप कैलकुलेट करोगे, दिख रहा है सब लोगों को? या चलिए अब जो है गिवन मास हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन, 4 मोल ऑफ अमोनिया, 4 मोल ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट द मास, क्या करना है, फाइंड द मास, फाइंड द मास, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या करना है, फाइंड द मास करना है। पहला क्वेश्चन है 4 मोल ऑफ अमोनिया, इसमें फाइंड द मास ऑफ अमोनिया कितना होगा, तो याद रखो हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू n इंटू m, राइट। अब सबसे पहले m क्या है, मोलर मास है, तो अमोनिया का मोलर मास कितना हो जाएगा, NH3 का मोलर मास, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 3 14 प्लस 3 17, तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा n जो है कितना है 4 मोल, तो 4 और m की वैल्यू कितनी निकली है 17, 17 4 जा कितना होता है 74 जा 68 64। अब क्वेश्चन यहां पर उठता है, इसको किस चीज में रिप्रेजेंट करोगे, राइट याद रखना, वेट विल बी ऑलवेज गिवन इन ग्राम। ओके, when the 4 mole of ammonia, we have to calculate what is the mass of them. When the mole, number of mole is given, then can you find the mass or not? Definitely you can find, right?
अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो निकलेगा आंसर या नहीं निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, 0.25 मोल ऑफ हीलियम, 0.25 मोल ऑफ हीलियम होगा ये तुमसे, हीलियम डाल दो ना एची, ये क्वेश्चन तुमको खुद से निकालना होगा, यस और नो, नहीं होगा चलो कोई बात नहीं मैं बता देता हूं, 0.25 मोल ऑफ एचई, कैसे निकालोगे 0.25 मोल ऑफ एचई को, देखो 0.25 मोल ऑफ एचई ये दिया हुआ है तुमको निकालना है मास, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन इंटू एम, एन का वैल्यू 0.25 और हीलियम का कितना होता है एटॉमिक मास 4 होता है, 4 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्या हो जाएगा 1, गॉट इट, समझ में आया या नहीं आया, इजीली आ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और दूंगा, अब आप लोगों को 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, क्या निकालना है 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकालना है मास निकालना है, होगा डेफिनेटली होगा, तो हमारा डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा एन इंटू एम, एन की वैल्यू 5 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा कार्बन का, जस्ट निकाला था हमने 12 + 32 दैट इज इक्वल टू 44, 44 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 + 2 = 22, गॉट इट, तो इस टाइप के क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, मतलब अगर मास निकालना हो। अब तीसरा टाइप है हमारा एंटिटीज टाइप, और ये एंटिटीज टाइप वाले में ज्यादा इंटरेस्ट, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है 3. दूसरा बता देता हूं, 3.011 into 10 to the power 21 atoms of O2 निकालना है, ओके? क्या निकालना है? O2 निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें हम लोगों को थोड़ा भी मगन ऐसा मत सोचना O2 है तो 16 को ज्यादा कुछ मत, सीधे हमको निकालना क्या है n निकालना है, n का मतलब गिवन एंटिटीज बाय एवोगाड्रो नंबर, ये एंटिटीज दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन सॉरी 21, क्वेश्चन में जितना दिया है वो ऊपर में और एवोगैड्रो नंबर नीचे में 10 टू द पावर 23,
इतना टू जा तो 1/2 और 10^21 कट जाएगा, नीचे में वापस 10^2 बच जाएगा, हुआ। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 को 0.5/100, तो इसको दो डिजिट के बाद 0.005, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.3/011 × 10^21 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं समझोगे। तो सबसे पहला टाइप हो गया ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मास, और उसके बाद अगर एंटिटीज दिया हुआ है देन फाइंड द नंबर ऑफ मास, अदरवाइज मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को पहले धीरे से समझो, इसको बनाने की कोशिश करो, और इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिए सबसे पहले ये तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको इजिली आ जाएगा, बट ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, इसलिए आज शॉर्टकट वीडियो में दे रहा हूं। इस चीज को समझो, कोशिश करो और खुद से बनाओ। जैसे मान लो दिमाग में आया 48 ग्राम ऑफ पोटाशियम, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो 6 मोल ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, गिवन मास निकालना है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एंटिटीज दिया हुआ है 9.033 × 10^20, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो ये एक समझ लो, एक फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। अपने दिमाग से भी क्वेश्चन लो, और दिमाग से जब क्वेश्चन लोगे तभी ज्यादा प्रैक्टिस होगा। कोई भी डिजिट व्हाटएवर, जैसे मान लो कभी किसी छोटे बच्चे को एडिशन देती हो, तो एडिशन देते समय वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा कोशिश करता है कि मैं एज सून एज पॉसिबल बनाऊं, राइट। तो इसी तरह से तुम्हारे पास अपने मन से क्वेश्चन लो और ये तीनों टाइप्स के न्यूमेरिकल एटलीस्ट 10-10 बनाओ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाऊंगा, और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं जो बता रहा हूं मोल कंसेप्ट का, इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, ताकि मैं दूसरा कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, ये स्पेशली था हमारा मोल कंसेप्ट जो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑलरेडी सीख चुका है, लेकिन होता है बहुत बच्चे नहीं सीख पाते, उन लोगों के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया कमेंट करो कि सर मुझे ये डाउट है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।